भाजपा प्रदेश कार्य समिति की आज एक बड़ी बैठक आयोजित हो रही है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज यहां पर मौजूद रहेंगे। इस समय हम देख सकते हैं उसी हॉल में मौजूद प्रदेश कार्य समिति की एक बड़ी बैठक है, सर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपने सभी वरिष्ठ लोगों का अभिनंदन है और हम सभी प्रदेश के कार्यकर्ताओं का ये सौभाग्य है कि आज बड़ा अवसर है, बड़ा मौका है अपने वरिष्ठ लोगों के का मार्गदर्शन लेने का। जो राजनैतिक प्रस्ताव आएंगे, आर्थिक और सामाजिक प्रस्ताव आएंगे, सामायिक विषयों पर भी प्रदेश कार्य समिति चर्चा करती है, स्वाभाविक बात है। तो एक अच्छा अवसर है कुछ जानने का, समझने का और आने वाले समय के लिए, आने वाली चुनौतियों के लिए जो है उससे उसके दृष्टिगत जो मार्गदर्शन मिलेगा, एक अच्छा मौका है सब मिला जुला का। जो कार्यक्रम है, जो भाजपा के अभियान है, उस पर आज जरूर एक विस्तृत रूप से चर्चा होगी, आप लोगों को तैयारियों में जुटने के निर्देश। हाँ बिल्कुल, जो भावी योजनाएं हैं उस पर तो चर्चा होती ही है और जो सामयिक विषय हैं उस पर भी चर्चाएं होती हैं। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रजनी तिवारी पहुंची हैं। मैम आज एक बड़ी बैठक है, किस तरीके से देखती हैं इसको? मैं बहुत बधाई देना चाहूंगी, आज प्रदेश कार्य समिति है, पूरा प्रदेश का कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है। पहले राष्ट्रीय कार्य समिति होती है, उसके बाद प्रदेश कार्य समिति है, उसके बाद हमारे और नीचे स्तर तक के बैठकें शुरू होंगी। जो भी कोई बड़े निर्णय होते हैं वो पार्टी के संवैधानिक दृष्टि से हम लोग करते हैं हर वर्ष ये बैठक। तो आज ये प्रदेश की ये अहम कार्य समिति की बैठक हो रही है, यहाँ पे जो भी निर्णय होंगे लोगों के सामने रखे जाएंगे और इसके बाद में हम लोगों के और मंत्री हैं। दारा सिंह चौहान आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे आज की बैठक को लेकर सर? सबसे पहले तो उस उत्तर प्रदेश के कार्य समिति में आए हुए उत्तर प्रदेश के सभी प्रतिनिधियों का मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से तहे दिल से उनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, हमारे भारत सरकार के तमाम मंत्री हैं, हमारे प्रदेश के मंत्री हैं, हमारे डिप्टी सीएम सीएम यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे और निश्चित रूप से आज के मंथन में आने वाले दिन के लिए एक दिशा निर्देश दिया जाएगा जिससे आने वाले 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सके। मंत्रियों का सम्मान भी किया जा रहा है जो यूपी से जीत के भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री बने हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? निश्चित रूप से ये हमारे माननीय मंत्री हैं, जनता ने चुनके भेजा है और आदरणीय मोदी जी के कैबिनेट में जिसको मंत्री पद का अहदा मिला है निश्चित रूप से उनका स्वागत किया जाना चाहिए। विपक्ष ने जिस तरीके का सर माहौल तैयार किया था, आपको लगता है आगे चुनावों में वो अब दिखाई नहीं देगा, आप लोगों की भारी जीत होगी? निश्चित रूप से 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, इसको नोट करके रख लीजिए आज ही से। साध्वी निरंजन ज्योति भी यहाँ पर मौजूद है, आज एक बड़ी बैठक है और बताया जा रहा है आगामी अभियानों पर, कार्यक्रमों पर भी चर्चा होगी, आप इसको कैसे देखती हैं? इलेक्शन के कारण प्रदेश कार्य समिति नहीं हो पाई थी, राष्ट्रीय कार्य समिति के बाद भारतीय जनता पार्टी की कार्य समितियाँ हर 3 महीने 6 महीने में होती रहती हैं, क्योंकि राष्ट्रीय परिषद के बाद तुरंत इलेक्शन की घोषणा होने के कारण प्रदेश की कार्य समिति नहीं हो पाई थी, उसके कारण ये प्रदेश कार्य समिति बुलाई गई है। और प्रदेश कार्य समिति संगठनात्मक और आगे कार्य योजना कैसे बने उसके लिए होती है। पार्टी के सभी लोग इकट्ठा हैं, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो, माना जाए कि आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा होगी। ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि कार्यकर्ता कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, कार्यकर्ता कार्यकर्ता होता है। हमारी निगाह में कार्यकर्ता चाहे वो मंत्री हो, चाहे सांसद हो, विधायक हो, बूथ का अध्यक्ष हो, कार्यकर्ता कार्यकर्ता होता है। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, आज कार्य समिति की बड़ी बैठक है, मंत्री जी क्या कहना चाहेंगे? बड़ी पार्टी की बड़ी बैठक होती है, हमारी पार्टी भी बड़ी है तो बड़ी बैठक भी है। वैसे कार्य समिति की बैठक सांगठनिक दृष्टि से चलने वाली सतत प्रक्रिया है, उसी के क्रम में आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक है जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का आगमन हो रहा है। हम लोगों के लिए गौरव का विषय है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोगों का उद्बोधन हम लोगों को उनका उद्बोधन प्राप्त होगा, तो मैं समझता हूं कि नीचे से ऊपर तक के सभी कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन भी होगा और संगठन को विस्तार दिया जाएगा, संगठन को मजबूती दी जाएगी, संगठन को शक्ति मिलेगी। इससे चुनाव और विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भी अब आप लोगों को जुटना है, तो माना जाए उसके लिए भी निर्देश दिए जा सकते हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के निर्देश हमेशा रहते हैं, कार्यकर्ता हमेशा चुनाव की तैयारी में रहता है, मजबूती के साथ खड़ा रहता है, जब भी चुनाव की आवश्यकता पड़ती है वो चुनाव लड़ता है, तो मैं नहीं समझता कि कोई इसकी कोई आवश्यकता है। फिर भी नेतृत्व का जो निर्देश होगा
उसका हम सब अनुपालन करेंगे। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर आज की बैठक को लेकर? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आज बहुत अच्छा अवसर है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन हम सभी कार्यकर्ताओं को मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन मंत्री जी, सभी लोग यहाँ पर रहेंगे और हमारे दोनों डिप्टी सीएम, सभी लोगों का मार्गदर्शन पाथेय प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को मिलेगा। पहली बार ऐसा हो रहा है जो इतनी बड़ी संख्या में प्रदेश कार्य समिति के कार्यकर्ता प्रदेश भर के बुलाए गए हैं और ये सब लोग ऊर्जा लेकर यहाँ से जब जाएंगे तो निश्चित रूप से जो झूठ फरेब पिछले समय में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के द्वारा फैलाया गया संविधान को लेकर, उसका पर्दाफाश करने का काम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आज प्रदेश कार्य समिति की लोकसभा चुनाव के बाद एक बड़ी बैठक है और इसको काफी अहम भी माना जा रहा है सर। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी संबोधन करने का काम करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो कार्यकर्ताओं पर आधारित है और कार्यकर्ताओं को आगे किस ओर जाना है, कैसे काम करना है, 2027 के चुनाव को मजबूती से जीतने का काम भी करना है, ये सारे लक्ष्य निर्धारित करने का काम पार्टी करेगी। लगता है विपक्ष ने जो झूठ फैलाया था वो अब आगे काम नहीं करने वाला मंत्री जी? निश्चित रूप से विपक्ष ने जो भ्रामक झूठ फैला कर वोट हासिल किए हैं, यदि आज चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोकसभाएं हम हारे हैं वो सब जीतने का काम। तो प्रदेश सरकार में मंत्री हैं विजय लक्ष्मी गौतम, प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंची हैं। आज की बैठक में बताया जा रहा है आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा होगी, आप किस तरीके से देखती हैं इसको? आज की बैठक ये कोई नई नहीं है, हमेशा प्रदेश कार्य समिति की बैठक होती रही है और वो अपने स्वरूप में ही हो रही है और निश्चित रूप से पार्टी के सारे कार्यकर्ता इकट्ठे होते हैं और आपस में एक दूसरे की शक्ति बनते हैं और हमारे शीर्ष नेतृत्व आते हैं और हमें अपना कार्यप्रणाली। कार्यकर्ता इकट्ठा होते हैं तो ये भी माना जाए कि उनके अंदर की जो नाराजगी होती है उसको भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा आज इसमें? ऐसा कहीं कुछ है ही नहीं, कहाँ नाराजगी है। 24 में हमारे जो है NDA की सरकार बनी है, हमारे इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो नाराजगी कहाँ है। आपका भी कुछ सामने आया था अपनी पार्टी को लेकर कि कुछ नाराजगी है, आपको लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व? नहीं, 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 ऐसा मेरा कोई बयान नहीं आया था कि कोई नाराजगी है, ऐसा कुछ भी नहीं। और लोकतंत्र है, चुनाव है, विपक्षी है, कुछ न कुछ बोला ही करते हैं। लगता है विपक्ष इस तरीके का गुमराह करने का काम करता है, चाहे कैबिनेट मंत्री आपके पूर्व रहे हो राजेंद्र प्रताप सिंह, जौनपुर के विधायक रमेश चंद्र मिश्रा ने भी इस बात को कहा था कि केंद्रीय नेतृत्व को दखल देना चाहिए नहीं 2027 में दिक्कत होगी। नहीं नहीं, इन सब बारों में मेरा कोई टिक्का टिप्पणी नहीं है, कहीं 2027 में कोई दिक्कत होने नहीं जा रही है। और जितना इस देश के प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण के लिए काम किया है, निश्चित रूप से हर गरीब, हर जाति का गरीब आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, NDA सरकार के साथ। मौजूद है जितिन जी। जितिन जी, आपको केंद्रीय मंत्री का पद दिया गया है, आज आपका सम्मान भी होगा, क्या कहना चाहेंगे सर? आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन है, हम सभी लोग पार्टी का नेतृत्व और कार्यकर्तागण सभी यहाँ उपस्थित हैं, आज चर्चा होगी, विचार विमर्श होगा, आगे की रास्ते तय होंगे। बैठक भी है सर, क्या लगता है आगामी कार्यक्रमों पर भी सर चर्चा होगी? बिल्कुल होगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन मिलेगा, आप देखिए उसमें हर क्या होगी। लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल हमारे साथ मौजूद है, प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंची है, क्या कहना चाहेंगी मैम आज की बैठक के लिए? एक बड़ी बैठक है आज, ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक है, मैं भी कार्य समिति में हूँ और वरिष्ठ संगठन जो दिशा निर्देश करेगा उस पर हम लोग आगे चल के काम करेंगे। माना जाए जो आगामी कार्यक्रम है वो चाहे उपचुनाव हो, सभी को लेकर एक चर्चा, उपचुनाव हो और 2027 की तैयारी कैसे करनी है हम कार्यकर्ताओं को, इसलिए ये बुलाया